तुझे स्कूटी का रोका कराया हम। पिंक कलर में तो है नहीं स्कूटी। आई लाइक दिस। हेलो एवरीवन, तो आज मंडे है लेकिन मेरी छुट्टी है, तो लगातार तीसरा दिन हो गया है जो मेरी छुट्टी है। मैं कर रही हूँ चिल और आज बनाया है नाश्ते में मैंने मेरे फेवरेट नमकीन जवे, आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जी ये रहे हमारे नमकीन जवे और साथ में है धनिया पुदीने की बढ़िया वाली चटनी और कॉफ़ी। एक्चुअली इसमें काफ़ी कुछ है, मेरी कॉफ़ी में प्रोटीन पाउडर, जिंजर, तो मेरा एक कॉन्कॉक्शन है। तपिश की चाय है, वहाँ चल रहा है जी हमारा गेम ऑफ थ्रोन्स और आप देख सकते हैं, हाँ यही वो कारपेट है जो कल हम क्रॉफर्ड मार्केट से लेकर आए हैं और आज हम इसको हमारी बालकनी में सेट करने वाले। तो आज मेरा सिर्फ और सिर्फ करने का है इरादा चिल, बस अपना गार्डन आज डेकोरेट करने वाली हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी जब वो रेडी हो जाएगा कि कैसा लग रहा है मेरा बालकनी। अभी का मैं आपको नज़ारा दिखा देती हूँ, अभी बहुत बेसिक है। बस मैंने क्या करा था, पिछले दो संडों से लगी हुई हूँ मैं, हाँ दो वीकेंड से लगी हुई हूँ मैं अपने गमलों की मिट्टी को ठीक करने में, तो दिखा देती हूँ। तो अभी कुछ ऐसी कंडीशन है, तो इसका जो ये फर्श है आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही है, शायद टाइल्स इस पर लगनी बाकी होंगी इस वजह से ये ऐसा होगा, पता नहीं। देखो फ्रेंड्स कहाँ से ये जो एक पिजन है ये हमारे यहाँ पे आके बैठ गया है, शायद इसको ठीक से दिखाई नहीं देता है और शायद ये इंजर्ड है, तो पता नहीं। अभी मैं इसके लिए थोड़ा सा यहाँ बाजरा डाल दूँगी ताकि बेचारा थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ गेन करके फिर यहाँ से चले जाए। तो ये है अभी हमारी बालकनी का प्रेजेंट कंडीशन और ये है हमारे सुंदर से वो करेले की बेल, जो खुद तो लंबी हो ही जा रही है पर इसके जो करेले थे वो पता ही नहीं कहाँ गए बेचारे, सब झड़ गए हैं। और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हालाँकि पैर रखने में तो मज़ा आता है, ठंडा फर्श है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये फर्श, तो इसके लिए हम वो ले आए हैं। और फ्रेंड्स तुलसी का तो हमारा बुरा हाल हो चुका था, वो तो बची नहीं खैर, तो अब हम ये नई तुलसी लेकर आए हैं। तो ठीक है, अब इसकी तो जान बच गई है, थोड़े दिन में इसकी और अपडेट्स हम आपको दे देंगे। और यहाँ तब इसी चल रही है मीटिंग, तो भैया एकदम मुँह पर फटफट आया, वो मुझे लगा बच्चा उड़ना नहीं आता या कोई चोट वोट लगी होगी इसलिए बैठा है, वो तो सुस्ता रहा था और बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक से अटैक कर दिया उसने मुझ पर। चलो ठीक है बैठे, ज़्यादा भी नहीं डरी। अब मैं मेरे जवे कंटिन्यू करती हूँ फ्रेंड्स, फिर थोड़ी देर में जब बालकनी सेटअप करेंगे तब आपसे मिलेंगे। दोस्तों अभी जो अनु काम करने वाली थी, जो कि ग्रीन ग्रास का जो आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास आती है वो बिछाने वाली थी, तो उसने काम चालू कर दिया है। अभी आपको दिखा देते हैं, पूरी मेहनत के साथ लग गई है लड़की। ये देखो, ये तो रही वो घास। दोस्तों आपको पता है ना ये ग्रास हम कहाँ से लाए थे, बहुत दूर से, कहाँ से, क्रॉफर्ड मार्केट, ठीक है, मुंबई में है ये, और वहाँ से लेकर आए थे हम ये लोकल में रख के। तो बड़ी मेहनत लगी कल, मैं तो सोच रहा था कि इतना बड़ा बंडल ना हो जाए कि कहीं ट्रेन में घुसने से ही मना कर दें हमें, लेकिन उसने ऐसे छोटा सा कर दिया इसको। ये देखो ये तो ये प्लास्टिक की है दोस्तों, और दोस्तों कुछ ही मिनटों में अनु जो है ये जो हमारी बालकनी है इसको एकदम चमका देगी, रेनोवेट कर देगी। Blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing, take me for granted and you know. तो दोस्तों काफी हद तक तो हो गया है वो जो घास बिछाने का काम है, तो आपको दिखा देता हूँ क्या परफेक्ट काटा है शर्मा जी की लड़की ने। ये देखो अभी बस थोड़ा सा फाइनल टच दे देते फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों वो जो ग्रीन ग्रास थी आर्टिफिशियल वाली वो बिछ चुकी है और लुक बहुत ही मस्त आ रहा है, मतलब मज़ा आ गया देख के। अब पार्टी शार्टी के लिए आ जाओ फटाफट यहाँ पे, और ये देखो कुछ लुक ऐसा है। बैठ के देखेंगे, तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं स्कूटी बुक करने और हमने
रोशनी तो आ नहीं रही, लेकिन अब से ऑटो को बाय बाय कर रहे हैं, स्कूटी ले लेंगे, स्कूटी से चलेंगे. Up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Is no one? ऐसी वाली गाड़ी लेने वाले हैं जेड, ये रे जेड आर. बैठ के देख लो, अब भी ठीक है. कौन सा वो नीचे गद्दी थोड़ी नीचे ऊंचा है, भूल जाते हो क्या? ये ले लो क्या है? सेवन थर्टी बंद करते हैं क्या? अभी 8 बजे बंद हो जाए, अभी थोड़ा काम पेंडिंग है. कर दीजिए बुक, चढ़ के देख लो, इस पे देख लो, नहीं तो उस पे देख लो, इस पे देख लो. तो अनु अभी चेक कर रही है कि इसका पैर आ रहे नहीं आ रहे. पिंक कलर में तो है नहीं स्कूटी. आई लाइक दिस. तो दोस्तों, अभी जो स्कूटी बुक करके आया है उसकी पार्टी के लिए हम आ गए हैं एक बंगाली, ऑथेंटिक बंगाली शॉप है यहाँ पर, जहाँ पे गोलगप्पे बहुत ही मस्त मिलने वाले हैं, मतलब फुचका बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बंगाली में. अभी तक मुझे जल रहा है टेस्टी पानी, तो अभी खाया था हमने. तो आपको मैं दुकान दिखा देता हूँ, ये कहाँ पर है, ये आपको एक सेकंड, ये दिया स्वीट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये तो ये है दिया स्वीट्स. और यहाँ पे कोने पे जोधपुरी दुकान है, जोधपुर स्वीट्स एंड नमकीन. तो ये बिल्कुल डी मार्ट के सामने है, थाने में. तो ये जो कोलशेट रोड है, ये सारा कोलशेट रोड है. तो कोलशेट रोड के इधर आपको मिस्टी अफेयर करके ये शॉप है, ठीक है. तो अभी अंदर आपको दिखा देता हूँ क्या क्या वैरायटी है अंदर. गोश्ती बैठते हैं, ये है मिस्टी अफेयर और बंगाली बिल्कुल कोलकाता का ऑथेंटिक आपको फूड यहाँ मिल जाएगा. तो यहाँ का फेमस क्या है वैसे? संदेश का 31 कौन सा है वो? अच्छा, हाँ हाँ, रसगुल्लार पेश, मलाई चौमचौम, और ये है गुर मलाई चौमचौम. समोसा वगैरह भी है इधर, और संदेश, फेमस संदेश, मैंने ये वाला खाया था कल, बहुत ही मस्त था. और ये मसाले वगैरह भी हैं वहीं के कोलकाता के पिसे हुए एकदम मस्त. तो ये तो मैं कल लेके गया था यहाँ से, ये वड़ी है. ये किसकी वड़ी थी? उड़द दाल का. हाँ, ये आज बनाया हमने, तो बहुत बढ़िया है सारा. यहाँ का कुछ भी आप ट्राई करोगे सब बढ़िया, एक नंबर.
तो आपको फिर दोबारा दिखाता हूँ वैराइटीज। ये है ऊपर की रो, ये है नीचे। ये कुल्लड़ में क्या है? दही है, मिष्टी दही। अच्छा, मिष्टी दही। ये पिकल्स भी मिल जाएंगे आपको। ये मोदक है, मोदक का क्या हिसाब है, क्या रेट है? 750 रुपया के लिए केसर मोदक है। अच्छा अच्छा, दाल भी बहुत सारे आएगा, कस्टर्ड वाला आएगा। हां हां, चॉकलेट वाला आएगा। और ये सॉस है पीछे सारा, सॉस है ज्यादा, अचार का आइटम है। हां हां, ये बिस्किट है, ये सब कोलकाता का, कोलकाता का बिस्किट है, कोलकाता में फेमस है बिस्कॉम। अच्छा, बिस्कॉम ब्रांड है, बिस्कॉम का ब्रांड। अच्छा, तो जो कोलकाता के हैं वो जानते होंगे बिस्फार्म करके हैं ये बिस्किट्स, बहुत ही अमेजिंग। चलिए, अगर आप थाने साइड रहते हैं और कोलशेट रोड के आसपास रहते हैं तो यहाँ पर आना आपका बनता है। राजू घोष भैया मिलेंगे यहाँ पर, और बहुत ही बढ़िया यहाँ के पुचका है। ये सामने जो है, हमने दो प्लेट अभी ट्राई कराया, अनु ने दोबारा कह के कि एक प्लेट और लेना है, वेट कर रही है मेरा। चलो ठीक है भैया, फिर मिलेंगे। ठीक है, ओके, तो जरूर आना दोस्तों, इधर आना बनता है आपका। चलो, उसका खा के हो गया आप यहाँ पे। हाँ, लोकेशन मैंने आपको बताई दी है, ये है कोलशेट रोड। कोलशेट रोड पर आपको ये दिया स्नैक्स स्वीट्स के सामने आना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये जोधपुर स्वीट्स है, उसके बराबर में, बाजू में। तो जी, स्कूटी का रोका कराया है हम, मतलब बुक कराया है। और रोका मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जब गए अभी तो हमें लेना था रेसिंग ब्लू, और रेसिंग ब्लू वहाँ पर मतलब मुश्किल से एक ही बचा था, तो उसने फिर बोला कि जल्दी से आप पे कर दो ताकि आपके नाम पे बुक हो जाए। तो हम बुक कराए और लेटर ले आए हम, दिखाओ जी लेटर। ये रहा, ये 1000 रुपया, 50,000 हमने कैश दे दिया, तो बुक कर लिए। तो ये सब आपकी बदौलत है। Yes, thank you. तो थैंक यू, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो फटाफट सब्सक्राइब करो दोस्तों, और ऐसे ही बने रहो हमारे चैनल पर। भगवान जी के उधर हाँ। तो ये हमारा पहला व्हीकल है जो कि हमने खुद खरीदा है, नहीं तो वही मम्मी पापा ने पहले दिला के देते थे बाइक वगैरह जो भी है। तो ये जो है ये पहला व्हीकल है, और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हम गाड़ी वाड़ी भी लेंगे, देखते हैं क्या होता है। भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खुश लो, बाय। तो इस स्कूटी पे आपको हम पूरा थाने दिखाने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड।